गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं कुसुम प्रसाद आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। तो बच्चों तैयार हो जाइए मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, और इसे पढ़ाने के लिए हमारी एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। हमारी एक्सपर्ट हैं आज की मिसेज बीना प्रकाश मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम जी, सबको नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। मैम है सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स कैंपियन स्कूल भोपाल से, और मैम आपको बताएंगी मैथमेटिक्स पढ़ाएंगी आज क्लास के 9 के स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि आप किस तरह से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पे जो है 8800440559 पर। आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी ये दिखाई दे रहा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in। तो ये तो थे कि आप किस तरह से हमसे संपर्क कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने फीडबैक भेज सकते हैं हम तक। तो अब हम शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं हमारी एक्सपर्ट मिसेस बीना प्रकाश मैम की तरफ। मैम आज क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं, जो मैं टॉपिक बता देती हूँ स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, ये चैप्टर है जो मैम आपको बताएंगी। मैम शुरुआत करते हैं। मैम बिल्कुल, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि इफ एनी पैरेललोग्राम, आपके पास पैरेललोग्राम्स है विच इज बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस, दैट इज आपको दिख रहा है यहाँ पे डीसी एक बेस है, इस डीसी बेस करते हुए हमने पैरेललोग्राम बनाया ए डी सी बी, और एक दूसरा पैरेललोग्राम बनाया ई डी सी एफ। तो ये दोनों जो पैरेललोग्राम्स है दोनों एक ही बेस पे है डीसी, और आपको दूसरा एक चीज दिख रहा है कि एक ये जो लाइन L है, ये जो लाइन L है, the line L and DC they are parallel। तो हमें ये दिख रहा है कि opposite side of this parallelogram ADCB और EDCF के जो opposite side है AB EF, वो इस parallel line के ऊपर है। तो अगर हमारे पास इस तरह के कोई भी parallelograms होंगे with the same base, आपका base same है और इट इज दैट ऑपोजिट साइड इज ऑन दैट पैरेलल लाइन, देन आप जो भी पैरेललोग्राम्स होंगे उन सब का एरिया सेम होगा। व्हाई विल इट बी, दैट वाज एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट क्लास, दैट इज बिकॉज देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड। अब बेस हमने ले लिया डीसी, ऑल्टीट्यूड क्या है, व्हाट इज ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड इज एनी डिस That is a distance between two parallel sides. अब L parallel तो DC है, so ये जो PQ है, this is the altitude. That is distance of the side DC from AB. That is its opposite side. अब ये आप देखिए opposite side जो है उस parallel line के बीच में है, and PQ is the distance of this parallel line L from DC. ये जो डिस्टेंस PQ है कभी भी चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम फॉर ऑल सिचुएशंस। आप कहीं भी PQ बनाइए, आप कहीं भी बनाइए एक यहां पे भी बना दीजिए, यू विल फाइंड दैट ये जो लेंथ है, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ, ऑल दीज लेंथ्स विल ऑलवेज बी सेम। हाँ, बेस सेम ऑलरेडी है, ये लेंथ भी आप कहीं पे कोई भी पोजीशन पे बनाइए पैरेललोग्राम के, हाइट विल ऑलवेज बी सेम। हेंस एवरी पैरेललोग्राम विद द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स विल ऑलवेज हैव इक्वल एरियाज, ये है हमारा थ्योरम। इसी के बेस हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए थे। वी नाउ मूव ऑन टू इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो ट्राइंगल है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड इट इज बिटवीन द सेम पैरेलल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी एक इंफॉर्मेशन आप याद दिला रही हूं मैं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, द ट्राइंगल डीसीपी और एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है दोनों का बेस सेम है, देखिए बेस डीसी है, एंड जो पैरेलल साइड पे एक पॉइंट लिया है पी, तो जो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो पैरेललोग्राम लिखा है मैंने यूज किया है, दैट इज एरिया ऑफ ए डी सी बी पैरेललोग्राम इज बेस, दिस इज बेस मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू, बेस
length multiplied by PQ. अब आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, मैं 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ से भी मल्टीप्लाई कर, तो हाफ DC मल्टीप्लाइड बाय PQ, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय PQ इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PDC. तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल अगर सेम बेस पे है एंड जो थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है वो ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, in that case the triangle's area will always be half the area of the parallelogram. So ये दो theorems को use करते हुए हमने कुछ questions किए थे, हम उसके आगे करेंगे इस आज की class में. We'll have now this question. अब आप देख रहे question, can you read the question? D and E are points on the sides AB and AC of triangle ABC. Says that area of triangle DBC, ये हमें दिया हुआ area of triangle DBC और area of triangle EBC दोनों दिया है, but हमें prove क्या करना है कि line, एक line जो है which is passing through D and E, ये जो line है which is passing through D and E, ये जो line है, this line is parallel to, ये line parallel है base of the triangle that is BC से parallel है, ये बताना है आप. How will we prove it? अब आप देखिए क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, एक कोई भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय उसका altitude. Altitude means opposite vertex का distance from the base. So उसका opposite vertex का distance ये आएगा DP जो दिया है यहाँ पे. वो दूसरा ट्राइंगल बी ई सी का क्या हो जाएगा, इट इज हाफ बी सी मल्टीप्लाइड बाय ई क्यू. अब आपको इन दोनों रिलेशन में क्या दिख रहा है, half and BC is common, so they will get cancelled. So आपको एक relation मिल गया ना, DP is equal to EQ. DP and EQ दोनों length same है. Now what is this information? DP and EQ are perpendiculars from opposite sides. ठीक है, और ये दोनों जो है एक ही length का, इसका मतलब एक लाइन जो DE से पास होते हुए ये जो लाइन दिख रहा है आपको, दिस लाइन विल ऑलवेज बी पैरेलल टू BC. व्हाई विल दे बी पैरेलल, वो हमें पता लगाना है. व्हाई शुड दे बी पैरेलल, व्हाई विल दिस लाइन DE बी पैरेलल टू BC? व्हेन डू वी से दैट दे आर पैरेलल, पैरेलल का रिलेशन कंडीशन क्या है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए एक लाइन पे, उसका डिस्टेंस उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड लाइन, आपने डी पॉइंट लिया है, इस डी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम बी सी मेजर करते हैं थ्रू डी पी, ऑल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वो डी पी मेजर करता है. वैसे ही ई इज अनदर पॉइंट ऑन दैट साइड ऑन दैट लाइन, उसका डिस्टेंस फ्रॉम बी सी, इसलिए हम ई क्यू परपेंडिकुलर बनाते हैं. So we find that ये दोनों length दोनों same है from this relation. इस relation से ये दोनों length equal हुआ. So whenever these two lengths are equal, then the line which joins the two will always be parallel to the side BC. That is the reason. If two points on the same side of a line, BC के same side है DEP, दोनों opposite side में नहीं है, they are on the same side and are equidistant from a line. D and E are at the same distance from BC, then the line which joins these two points will be parallel. Hence, we have this result that is DE is parallel to BC. ये question first वाला समझ में आ गया आपको? हाँ जी, clear हुआ? मैंने सही explain किया, आपको समझ में लग रहा है? Now we move on to the next one. ठीक है? ABCD is a parallelogram. अब ए बी सी डी आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड पी द साइड ए बी, इस साइड को हमने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस मतलब स्ट्रेच किया, खींच दिया हमने, एक्सटेंड कर दिया, ए बी को बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ाया आपने, पी तक बढ़ाया. अ लाइन थ्रू ए, एक लाइन हमने बनाया थ्रू ए, अ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी बी, लाइन यहां से हम बना रहे हैं पैरेलल टू सीपी, सीपी ये जो लाइन है इससे पैरेलल बना रहे हैं एंड इट मीट्स सीबी प्रोड्यूस्ड, सी से बी जो लाइन जा रही है उसको प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक्सटेंड करेंगे, उस लाइन को मीट कर रहा है एट पॉइंट क्यू. तो आपको ये प्रूव करना है
कि एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और ए जो पैरेललोग्राम बी क्यू आर पी है, दे विल हैव इक्वल एरियाज। अब आप देखिए कहां से कहां पहुंच गए, हमें ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू पैरेललोग्राम बी क्यू आर पी, ये दोनों का हमको एरिया इक्वेट करना। अब इसके लिए क्या करना चाहिए जरा ध्यान से देखो, हमने ज्वाइन कर लिया ए से सी को और क्यू से पी को, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नाउ कंसिडर ए सी क्यू, आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए सी क्यू, ए सी क्यू ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दिस ट्राइंगल, बिल्कुल मैम स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे, ये जो ट्राइंगल है ए सी क्यू एंड ए पी क्यू। अब आप ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल को, ए सी क्यू, ए से लेके क्यू तक, ए सी क्यू, दिस इज द ट्राइंगल एंड ए क्यू पी, आपको कुछ दिखा उस ट्राइंगल में, ए क्यू क्या है आपका, ए सी ये पॉइंट है, तो हमारा ये जो ट्राइंगल बना है ये बना, ठीक है, सो दिस इज विथ ए क्यू और ये है सी। अब हमारा ट्राइंगल एक और बन रहा है ए पी, ए पी सी, ये वाला ट्राइंगल। अब आपको इन दोनों ट्राइंगल के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, ये जो साइड है, ये जो साइड है सी पी, इट इज गिवन पैरेलल एंड ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू एक साइड है विच इज, ए क्यू जो साइड है इट इज देयर ऑन बोथ द ट्राइंगल, देखो ए क्यू सी में भी है, ए क्यू पी में भी है। सो आपको इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी क्यू एंड ए क्यू पी will have same areas, है ना, because they are parallel, CP and AQ are parallel and they are on the same base, and triangle with same base between the same parallels have equal areas, so they have equal areas, so इसके कारण हमारे पास ये result, ये result clear हुआ बच्चों, ये AQP इस triangle के बारे में बात कर रही हूँ मैं, I'm talking about this triangle AQP and this triangle AQC, ये triangle की बात कर रहे हैं, ये दोनों triangles के same base पे हैं and they are between the same parallel, so hence the area of the triangles will be same, fine, so इसके कारण क्या है कि we have this result that is ACQ, ACQ देखिए आपको हम इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये पॉइंट पॉइंट बी है अपना, आई कैन डिवाइड इट एज ए क्यू बी, दिख गया आपको ए क्यू बी एंड ए सी बी, ये दोनों मिला के है अपना ए क्यू सी ट्राइंगल, एंड वैसे ही ए क्यू बी एंड ए बी क्यू पी, ये दोनों मिला के, ये दोनों मिला के ये ट्राइंगल बना, ये दोनों मिला के ये ट्राइंगल बना, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको व्हाट डू यू फाइंड, ये जो रीजन है, ये जो पार्ट है, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना, सो दिस इज कॉमन ए बी क्यू, दे गेट कैंसल, इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, व्हाट रिजल्ट आर वी गोइंग टू गेट, दैट इज व्हाट इज लेफ्ट इन दैट एक्सप्रेशन, दैट इज द रिजल्ट दैट यू हैव, व्हाट इज दैट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल B Q P, A C B आपको दिखा ट्राइंगल एंड B Q P ये ट्राइंगल दिखा। अब हमें वापस जाना है किसमें, हमको पैरेललोग्राम बनाना है, आप बताइए A B C से पैरेललोग्राम A B C D कैसे बन सकता है, व्हाट रिलेशन डू वी हैव विद द ट्राइंगल ऑफ A B C एंड A B C D पैरेललोग्राम, जरा ध्यान से देखिए, AC is the diagonal of that parallelogram ABCD, है ना? तो every diagonal divides the parallelogram into two equal triangles, triangles with equal areas. ये दोनों triangles के area equal हो जाएंगे।
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दिख रहा है कि एक साइड ऑफ द ट्राइंगल, दैट इज ये जो साइड है, दिस साइड हैपेंस टू बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। वैसे ही ये जो साइड है, इट हैपेंस टू बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर, ये पैरेललोग्राम। अब हम ट्वाइस कर दिए तो एरिया इसका ट्वाइस का क्या हो गया, इजंट इट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और दूसरा साइड क्या हो जाएगा, इट्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बी पी आर क्यू, यही आपसे पूछा गया था। तो ये हमें देखना है कि हमें क्वेश्चन से कैसे हम अपना रिजल्ट लेकर आए, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है हमें ए बी सी डी, और उसमें ए सी और बी डी दो डायगोनल्स है, विच इज इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ इन सच ए वे दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, दैट इज ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। अब आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। अब आप ये हमने स्टार्ट किया था, दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, हमें ये प्रूव करना है कि इट इज अ ट्रेपीजियम। व्हाट इज, हाउ कैन यू, व्हेन डू वी हैव अ क्वाड्रिलैटरल ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम तब होगा व्हेन वी हैव वन पेयर, एक पेयर आपको, इधर यू नीड टू हैव ए बी पैरेलल टू सी डी और द अदर पेयर दैट इज ए डी पैरेलल टू CB, ये दोनों में से एक रिजल्ट हमें लाना है, CB, sorry, this is CB, इन दोनों में से हमें एक रिजल्ट लाना है। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आ सकता है। हमने ये ले लिया AOD, AOD, और लिखा हमने जो उन्होंने दिया है वो हमने लिख दिया, AOD triangle and ACOD they are equal। अब इसमें मैंने क्या किया, I have added this region, ये जो रीजन है AOB मैंने दोनों साइड एड कर दिया। We can add equals to equals equal expressions. मैं add करने से क्या हुआ है कि आपको एक full एक दूसरे एक triangle दिख रहा है आपको। What is that triangle? ABD. देखिए ABD दिख रहा है। इसके साथ आपने इस triangle को add कर दिया। So what triangle are you getting? This is the triangle that we get from here. And on the right hand side, what triangle do you get? This is the triangle that you get. So what is that relation? ABD. एक triangle ABD है और दूसरा ट्राइंगल है ए बी सी, दे आर हैविंग इक्वल एरियाज। फिर वापस वही, व्हाट डू वी हैव, हाफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय डी पी, डी पी मतलब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला इसका, इट इज पी, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला इसका, दैट इज सी क्यू, सो डू वी गेट डी पी इज इक्वल टू सी क्यू। सो सेम रिजल्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमने, सेम क्वेश्चन आ गया। सो दैट इज टू पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी, हेंस the line joining them will always be parallel. So therefore, we have this result that is AB is parallel to CD. Hence, when AB is parallel to CD, that quadrilateral becomes a trapezium. Fine? So this question is also clear. Ab aap next question dekhiye. ABC and A. Okay. ABC and, yeah, actually, it should have been BDC. BD. ये दोनों ट्राइंगल्स दे आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, ए बी सी ये बड़ा ट्राइंगल ए बी सी और बी डी ई ये जो छोटा ट्राइंगल इन्वर्टेड ट्राइंगल दिख रहा है, ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स का मीनिंग क्या हुआ है कि ईच एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल मेजर्स 60 डिग्री, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, दैट इज इस सारे angles of this triangle, this is 60 degree, इसका भी measure 60 degree होगा, इसका भी measure 60 degree होगा, इसका भी measure 60 degree होगा, and since this is also going to be 60 degree, ठीक है, ये एक information हमारे पास है। Now in such a way that D is the midpoint, ये जो है, ये जो side है, it is midpoint of BC, that is BD and DC they are equal. Now what we have to prove is A inter, ठीक है, A and E को join किया, they meet at point F. The first result that we have, BDE is 4 times, I'm sorry, it has to be 4 times, ये 4 times triangle ABC, A 1/4, it's not 4 times, 4 times of triangle BDE is ABC, that is, आप ये जो छोटे triangle is 1/4 part of this big triangle. Now how do we prove this result?
अब आप देखिए ध्यान से, what is this triangle ABC? Triangle ABC happens to be an equilateral triangle. ठीक है, this is an equilateral triangle. Fine. अब इस ट्राइंगल में हमने इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट ये है, दिस इज द मिड पॉइंट. अब मैंने इस मिड पॉइंट पे ज्वाइन किया. इफ आई गेट अ ट्राइंगल, इफ आई मेक अ ट्राइंगल, ये ऐसे ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल, हमें पास एक रिजल्ट आएगा. देखिए आप ध्यान से देखेंगे, एक रिजल्ट मिलेगा आपको, ए बी सी, और दिस पॉइंट इज ऑलरेडी डी. आई एम टेकिंग दिस एस पी एंड दिस एस क्यू. ये जो साइड है, ये दीज साइड्स आर इक्वल, ये सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ये सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे. ये आप एक रिजल्ट किया है हमने ज्योमेट्री में पहले, उसको वापस लेकर आना है आपको. जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये 60 डिग्री है. इसके कारण ये ट्राइंगल जो दो साइड्स इक्वल होने के कारण, दिस इज नोन एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब टू साइड्स आर इक्वल, हेंस द ऑपोजिट साइड्स एंगल्स ऑपोजिट टू इट दे विल आल्सो बी इक्वल. ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएंगे. अब आप देखिए इसका मेजर क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल है तो मान लो x है, ये x है, तो ये 2x हो जाएगा. 2x के साथ 60 डिग्री ऐड करेंगे तो वी गेट 180 डिग्री. सो देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल x क्या हो जाएगा, द मेजर ऑफ एंगल x विल आल्सो बी 60 डिग्री. सो व्हाट विल दिस ट्राइंगल सो फॉर्म बी, द ट्राइंगल सो फॉर्म विल बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. दैट्स द रिजल्ट आई एम ट्राइंग टू शो हियर. ये जो सारे ट्राइंगल्स, जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बने हैं, they are all going to be equilateral triangles. अब आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी ट्राइंगल देखिए, all triangles, they are all going to be equilateral triangles. और इसके sides measures जो है सबके equal है, they are all equal. So what relation do we get? ये जो triangle है ABC है, the triangle ABC has been divided into four triangles. ध्यान से देखिए, a triangle, area of triangle ABC has been divided into four triangles. आप कोई भी पार्ट ले लीजिए, इट्स फोर टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू पी और ए बी क्यू डी या तो ऑल दीज फोर ट्राइंगल्स आर इक्वल एरिया, तभी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए. हाँ, उससे हम ये ट्राइंगल का क्या रिलेशन है, दैट्स अ क्वेश्चन. अब आप देखिए, ये भी तो कोई रिलेशन बता रहा है कि ये भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका एक साइड the half the side of this triangle है. So that means even this triangle will also, that is ये दोनों triangle का भी area equal ही होगा, ये सारे small triangles के area equal होगा. So this is also going to be, that is four times of this will be area of the triangle. जी, so ये जो result है, ये आपको clear हुआ है क्या? ये बनाया हमने result using previous results. जी बिना मैम, हमें उम्मीद है. मैम, हमें उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हमें देख रहे होंगे, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे सत्र का भी समय अब समाप्ति की ओर है. तो मैम, आज के सत्र के लिए आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया. थैंक यू मैम. थैंक यू. सो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आज हमने चैप्टर पढ़ा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स के बारे में, और के बारे में हमें बता रही थी मिसेस बीना प्रकाश मैम, और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे. उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से इसे समझ में आ गए होंगे. तो आज का सत्र यहीं संपन्न होता है, हमें दीजिए इजाज़त, पर आप मत कहीं मत जाइए, आप बने रहिए प्रधानमंत्री विद्या चैनल पर, और हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.